रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साद क्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद ज़ू में। आज मैं कोई आपको इस्लामाबाद ज़ू की सैर नहीं करवाऊंगा, ना ही आपको इस्लामाबाद ज़ू दिखाऊंगा। आज मैं इस्लामाबाद ज़ू में इसलिए मौजूद हूं कि जो कामन हाथी था आज से तकरीबन 35 साल पहले जो हमें श्रीलंकन गवर्नमेंट ने गिफ्ट किया था पाकिस्तान गवर्नमेंट को, आज उसको इस्लामाबाद ज़ू से कंबोडिया के जंगलात में मुंतकिल किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ काफ़ी दूर से आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जो है वो बोलने की परमिशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हाथी जो है वो एक एग्रेसिव जानवर है। अगर हम शोर करेंगे तो वो शायद जब उसको मुंतकिल किया जा रहा हो तो वो एग्रेसिव हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये दिखाऊँगा कि इस्लामाबाद ज़ू से कावन हाथी को कैसे कंबोडिया मुंतकिल किया जाएगा। तो फिर चलिए मेरे साथ आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं और आपको मैं सारा प्रोसेस दिखाऊँगा कि हाथी को कैसे यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। तो चलिए अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अभी यहाँ से मैं आगे जाता हूँ और आगे के मनाजर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सामने जो आपको कैंप नज़र आ रहा है ये मेडिकल कैंप है। यहाँ पे इनके डॉक्टर्स की टीम मौजूद है जो अभी इसको एनेस्थीसिया देंगे हाथी को, और जो है कि नीम बेहोशी की हालत में इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर इस टाइम। तो ये डॉक्टर साहब भी वही कहने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पे खामोश खड़े रहें। आई रिस्पेक्ट यू, आप भी मेरी जॉब की रिस्पेक्ट करें और खामोश करें। ओके सर, ओके ओके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पेशल ये पिंजरा बनाया गया है इस हाथी को अपने दूसरा जो इसका जहाँ पे अभी वो है उसको इस पिंजरे में मुंतकिल करेंगे। ये जो अभी आपके सामने क्रेन के थ्रू ये जो पिंजरा इसका बनाया गया है, तकरीबन 6 टन वज़नी ये पिंजरा है और 5 टन के करीब हाथी का वज़न है। अभी इस पिंजरे को इसके सामने ला के रखेंगे और अब ये जो टीम है इनको बिल्कुल सीधा करके इसके सामने रख रही हैं। अब ये जो हाथी है इसको इस पिंजरे में मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद इसको इस क्रेन के थ्रू उठा के दूसरी तरफ रखा जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये टीम सारी जो है ये कैसे इसको मुंतकिल करेंगी और आपको भी ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। साइड तो हो जाओ ना।
कहानियाँ। खानी साहब कैसे हैं? और इन्होंने अभी फाइनली कावन को जो है जो हाथी है उसको पिंजरे में मुंतकिल तो कर दिया, लेकिन कावन थोड़ा गुस्से में आ गया। ये आप देख सकते हैं अभी इसको थोड़ा, लेकिन अभी इसको कोशिश की जा रही है कि थोड़ा इसको काम रखा जाए। कि अभी जो इसका पिंजरा है इसको बंद किया जा रहा है आगे से दोनों तरफ से। ये आप देख रहे हैं कि इसको बिल्कुल लॉक कर रहे हैं। यहाँ पर फ्री द वाइल्ड टीम के साथ साथ मीडिया नुमाइंदगान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आप देख रहे हैं जिस तरह यहाँ पे कवरेज के लिए आज काफ़ी तादाद में मीडिया आया हुआ है। तो अभी पिंजरे का गेट बंद किया जा रहा है और जो डॉक्टर हैं और जो टीम है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब काइंडली ज़रा पीछे हटें, क्योंकि अब इस पिंजरे को क्रेन से उठा के दूसरी तरफ रखा जाएगा और वहां से इसको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये ट्रक है जी जिसमें उस कंटेनर को रख के रखा जाएगा और इसके बाद यहाँ से इसको एयरपोर्ट लेके जाया जाएगा इस ट्रक में। तभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सामने ट्रक खड़ा है और बिल्कुल आप इसके पीछे जो अभी आपको नज़र आ रहा है कंटेनर, वहाँ पे अमन जो है उसके अंदर है। अभी इसको कोशिश की जा रही है कि वहाँ से उठा के यहाँ तक लाया जाए और उसके बाद इस कंटेनर को ट्रक के ऊपर रखा जाए। बिल्कुल
साइड पे हो जाए भैया, हेलो साइड पे हो जाए जी, भाई साइड पे हो जाए, शाबाश।
हाँ जी आराम से आराम से रहा कावन ख्याल का। गुजर जाएगा वो आगे।